ऑल राइट, सो सबसे पहले तो खेद है मुझे कि मैं और मेरी टीम इतने दिनों से, इतने हफ्तों से, इतने महीनों से गायब थे. उसके पीछे एक्चुअली कुछ विपत्ति आई थी हमारी ज़िंदगी में. हालांकि हम सब लोग इंसान ही हैं यार, तो इमरजेंसीज तो आती है राइट. पर इन सारी इमरजेंसीज में एक चीज़ अच्छी हो गई कि सेटअप देख रहे हो आप लोग, मतलब मेहनत ली है यार हम सभी ने. मतलब कैसा लगा आपको सेटअप, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मुझे. और आज के इस वीडियो का थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले सनी पाजी वाले गदर 2 इस फिल्म के बारे में. पर गदर 2 के बारे में बात करने से पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, मतलब इधर नहीं, गदर 1 में जाना पड़ेगा. तो 2001 में आई थी गदर ये फिल्म, जो लगभग कुछ 18 या 19 करोड़ में बनी थी, जिसने बिजनेस किया था भाई साहब 113-115 करोड़ तक का. जी हाँ, ये एक ऐसी नॉस्टैल्जिक फिल्म है, एक ऐसी ऐतिहासिक फिल्म बन गई जिसको पूरे देशवासियों ने, पूरे हिंदुस्तानियों ने अपने सराखों पर बिठाया था. बिकॉज ऑफ इट्स डायलॉग डिलीवरी एंड बिकॉज ऑफ सनी पाजीज एक्टिंग, बिकॉज ऑफ इट्स रॉनेस आई गेस, एंड जो हमारा पार्टीशन हुआ था उसकी जो स्टोरी थी उसके आधार पर, उसके बेस पर जो एक कहानी रची गई थी वो पूरे हिंदुस्तानियों को पसंद आई थी. और उसी रीजन की वजह से 2001 में आई गदर ने इतिहास रच दिया था. आज है 11 अगस्त, थिएटर्स में ये फिल्म आ चुकी है और ओ माई गॉड 2 इस बहुत बड़े फिल्म के साथ क्लैश भी हो चुकी है. अगर हम बात करें गदर 2 के बारे में तो ये फिल्म लगभग बनी है 75 से 80 करोड़ के बीच में. तो मुझे लगता है कि अब कितना बिजनेस हो पाएगा, क्या कुछ हो पाएगा, ये तो आने वाला एक पूरा हफ्ता ही बताएगा. ओके, तो सबसे पहले अब गदर 2 को देखने के लिए आपको गदर 1 वापस देखने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गदर 2 के शुरुआत के 15 से 20 मिनट में ही आपको गदर 1 का पूरा फ्लैशबैक दिखाया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे आप डायरेक्टली गदर 2 को देखने के लिए बैठोगे भी ना तो भी वो नॉस्टैल्जिया आपको पूरा याद आ जाएगा. तो क्योंकि मैंने सोचा कि मैं एक डाई हार्ड गदर फैन हूं, तो मैं अपने वीडियो की शुरुआत अच्छे अच्छे यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट्स के बताने से ही शुरुआत करूंगी. सबसे पहला पॉइंट सनी पाजी यार, Because whenever he comes on the screen, he just owns it and we all know it very well, right? पर एक चीज़ है कि इंटरवल के पहले तक सनी पाजी को कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं वो एक निराशा आपके हाथों लगती है, क्योंकि आप जेन्युइनली सनी पाजी को ज़्यादा देखना चाहते हो स्क्रीन पर. पर क्योंकि डायरेक्टर अनिल शर्मा जी हैं, यस, तो उनके जो बेटे उत्कर्ष शर्मा, जिनको उन्होंने रीलॉन्च करना चाहा गदर 2 के साथ. पर एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि ज़बरदस्ती का रोमांस या फिर ज़बरदस्ती के कुछ गाने बीच में डालना और सिर्फ उत्कर्ष शर्मा को पूरी 80% की स्पेस दी गई है इंटरवल के आने तक, तो कहीं ना कहीं पे आप थोड़ा बहुत बोर हो जाओगे. मतलब सेकेंड हाफ में यानी कि इंटरवल के बाद सनी पाजी है जो छाए हुए हैं पूरे के पूरे फिल्म में, तो वो कहीं ना कहीं पे एक आपको खुशी महसूस होती है, आप थोड़ा बहुत सेटिस्फाई फील करते हो. तो अगला प्लस पॉइंट है इसका म्यूजिक. मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क में, थैंक्स टू मिथुन हु इज वन ऑफ द आई थिंक मोस्ट 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 अंडररेटेड म्यूजिक कंपोजर्स फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री आई फील. क्योंकि जब भी आप कोई पुराना गाना लेते हैं, बहुत ही आइकॉनिक, स्पेशली उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है उस सॉन्ग की. जब आप उस सॉन्ग को लेते हो और उसका कुछ रीमिक्स बनाते हो या फिर उसी का कुछ वापस रीमेक बनाते हो, तो हम सबको पता है कि उस गाने के साथ कितनी छेड़छाड़ की जाती है. पर यहाँ पर मिथुन की मुझे लगता है बहुत उन्होंने मेहनत ली है कि उन्होंने ये दोनों सॉन्ग्स, ऊर्जा काले कावा और मैं निकला गड्डी लेके, दोनों सॉन्ग्स को उन्होंने ओरिजिनल ही रखा है. पर ओरिजिनल रखने के साथ साथ इसके कुछ रिप्राइज वर्जन्स भी उन्होंने बनाए हैं, जो बीच बीच में आपको स्टोरी को आगे ले जाने में हेल्प करते हैं और वो सुन के आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो. तो वो एक पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. अगर हम बात करें अगले प्लस पॉइंट के बारे में, तो सबको पता है कि गदर क्यों फेमस हुई थी. गदर फेमस हुई थी उसके डायलॉग्स के लिए, और गदर 2 में भी कुछ 2-3 डायलॉग्स ऐसे हैं जो आपको पसंद आएंगे. कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी. और ट्रस्ट मी, मैं जिस थिएटर में, नासिक के थिएटर में गई थी सुबह सुबह सवेरे सवेरे शो को देखने, इस मूवी को देखने के लिए, तो मेरे आगे पीछे लेफ्ट राइट हर जगह पे, मतलब 2-3 बार ऐसे हुआ कि लड़के जो थे वो शर्ट निकाल के नाच रहे थे. एंड ट्रस्ट मी, लाइक वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नया था, क्योंकि कोविड के 2.5-3 साल बाद आप ऐसा दृश्य देख रहे हैं, जो कोई ऐसी फिल्म आई है जहाँ पर लोग नाच रहे हैं लिटरली. तो ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये सारी चीज़ें सिर्फ गदर के पहले पार्ट की वजह से कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है. तो यस, हाँ जी, डायलॉग्स भी आपको भारी भरकम सुनने को ज़रूर मिलेंगे. आई नो आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं हैंडपम्प के सीन के बारे में, बट लेट मी टेल यू, हैंडपम्प का सीन बहुत ही तगड़ा लिया गया है
और मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, कोई स्पॉइलर नहीं दिया जाएगा। मैं ट्रस्ट मी, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इस फिल्म को थिएटर में जाकर ये देखें और अपने ग्रुप, अपने मोहल्ले, अपने गली वालों, अपने गली में जितने भी लोग हैं सबको साथ में लेकर जाओ और इस फिल्म को ग्रुप में देखो, तब आपको बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया फील होगा। और अगला प्लस पॉइंट जो है, इसके कुछ चेजिंग सीक्वेंसेस जो मुझे पसंद आए, जहां पर जेन्युइनली उत्कर्ष शर्मा की एक्टिंग आपको थोड़ी बहुत पसंद आ जाती है जब भी चेजिंग सीक्वेंसेस हो रहे हैं। ओके, तो अब ये सारी प्लस पॉइंट्स थी, बट उसके अलावा अगर नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो भाई साहब लिस्ट बहुत ही लंबी है अनफॉर्चुनेटली। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस फिल्म की नहीं अच्छी लगी वो है इस मूवी में ज़बरदस्ती में घुसेड़ा गया रोमांस, ट्रस्ट मी। क्योंकि मुझे लगता है कि उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर की जो लव स्टोरी दिखाई गई ना, ये इनका लव एंगल बहुत फोर्सफुली लगता है। आपको रोमांस वो महसूस नहीं होता, आपको लिटरली लगता है यार क्या निब्बा निब्बी, मतलब कि ये सारे रोमांटिक सीन्स चल रहे हैं। अगला नेगेटिव पॉइंट ऐसा है कि जो भी एक्शन सीक्वेंसेस है ना, आपको वहाँ पे महसूस होता है कि यू नो CGI एनिमेशन VFX इन सारी चीज़ों में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं ली गई है, और उसके चलते आप बहुत सारी लूप होल्स, बहुत सारी मिस्टेक्स आप ढूंढ लेते हो। जैसे एक सीन है जहाँ पर सारे लोग बंधे हुए हैं और मतलब अपने सनी पाजे तो भगवान है भाई, कुछ भी कर सकते हैं, अपन बचा लेंगे, पर कुछ चीज़ नहीं बचते ना यार। जो इतनी दूर से आप चक्कू ऐसे फेंक के मारो, वो सीधा उसी के हाथ पे गिर रहा है और उसके हाथ निकल रहे हैं, मतलब नहीं यार, ये 2000 के मामले में अपन गधे थे, उस टाइम पे अपन इन चीज़ों को पचा लेते थे, बट आज हम बहुत सयाने हो गए। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे ये फिल्म थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप 10 साल पीछे जाके 2010 में ये फिल्म देख रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर महसूस होगी। अगर अगला नेगेटिव पॉइंट के बारे में मैं बात करूँ तो फोर्सफुली बोले गए डायलॉग्स बाय उत्कर्ष शर्मा, जो डायलॉग्स सनी पाजी को दिए जाने चाहिए, तो लिटरली वो जो बाजू में ही खड़े हैं पर वो डायलॉग्स उनको चुप करा के उनको दिए गए, तो वो मुझे इतने चीथड़े करेगा तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा, नहीं महसूस होते यार, वो पार उसमें महसूस नहीं होती है। अगला अगर नेगेटिव पॉइंट में मैं बारे में बात करूँ, बहुत सारे अब्रप्ट कट्स है, लिटरली एक सीन के बाद दूसरा सीन पता नहीं बीच में आता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पहले और दूसरे सीन में बीच में हुआ क्या, तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका कोई डिटेलिंग नहीं दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा वो अब्रप्ट, वो अधूरापन आप महसूस करते हैं, और बीच में आप फिर आप अपना फ़ोन निकाल के मतलब चेक करना ही चाहोगे। तो मुझे लगता है कि एक फिल्म ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आपको आपके मोबाइल पे देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। इस फिल्म में ना मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा डर था कि अमीषा पटेल की एक्टिंग, बट थैंक्स टू द डायरेक्टर कि ऐसा उनका कोई बहुत सीन नहीं दिया गया है, वो सिर्फ एक मुझे लगता है कि बस एक साइड कैरेक्टर के तौर पर है। बट एनीवे गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट गदर 2, और हाँ लास्ट में एक ऐसा हिंट दिया गया है भाई साहब कि गदर 3 शायद आ सकती है। आप लोगों की क्या राय आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सेटअप कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। आई लाइक टू गिव 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 टू गदर 2। आप लोग कितना स्टार देना चाहते हैं इस फिल्म को वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बताओ यार, लिखो कुछ कमेंट्स में, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ पढ़ूँ कमेंट्स में, प्लीज़। बहुत दिनों बाद कम बैक है एंड आई ट्रूली नीड योर सपोर्ट एंड लव गाइज, थैंक यू सो मच एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस आउट।